मॉर्निंग क्लास सेवेंथ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। तो हिंदी रीडर की सभी बच्चे मेरे साथ अपनी बुक ओपन कर रहे हैं, उत्सव हिंदी की पाठ्य पुस्तक, ठीक है। ये बुक ओपन करिए, इसकी विषय सूची निकालिए। मैं आप लोग को दोबारा आप लोग का सिलेबस बताती हूँ। तो सभी बच्चे विषय सूची को ओपन करें। देखिए, आप लोग का चैप्टर नंबर 9 to 16 आ रहा है। जब मैंने आप लोग को बताया कि चैप्टर नंबर 9 को जो है आप लोग को खुद रीडिंग करना था और इसके वर्ड मीनिंग्स आप लोग को याद करने हैं। वर्ड मीनिंग्स चैप्टर 9 के आप लोग के एग्जाम्स में आएंगे। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 10 पर। चैप्टर 10 मैंने आपको वीडियो पार्ट 7 में पढ़ाया था। आज मैं चैप्टर नंबर 11 आपको वीडियो पार्ट 8 में पढ़ाऊंगी। तो मैं आप लोग को यहाँ पार्ट 8 में चैप्टर नंबर 11 पढ़ाऊंगी, जो है मित्रों का मित्र करण, ठीक है। तो चैप्टर 11 को ओपन करिए। ये है आप लोग का चैप्टर नंबर 11। यहाँ पर पार्ट डाल दीजिए आप लोग 8, ठीक है। क्या है ये? मित्रों का मित्र करण। देखिए, इस चैप्टर में दिया गया है कि हमें अपनी मित्रता कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है। चाहे हमें अपनी जीवन में कुछ भी मिले, उस चीज़ के लिए हमें अपनी मित्रता नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हमें उसके लिए स्वर्ग पद ही क्यों ना मिले, ठीक है। कभी हमें अपनी मित्रता को भूलना नहीं चाहिए। ये चैप्टर जो है आपकी मित्रता के ऊपर है। ये चैप्टर मैं आप लोग को पढ़ाती हूँ और देखिए, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को, और इसके हम लोग उसके बाद एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखिए, दुर्योधन का की सभा में शांतिदूत श्री कृष्ण निराश, विषुबंध और क्रोधित होकर निकले। अभी कुछ ही दूर उनका रथ बड़ा था कि सामने से इधर से ही आते हुए कर्ण पर उनकी नज़र पड़ी। सहसा उनका भाव बदल गया। उन्होंने सोचा, काश कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिले तो कितना अच्छा होगा। देखिए, दुर्योधन के की सभा से शांतिदूत श्रीकृष्ण निराश विषुबध और क्रोधित होकर निकले, ठीक है। और वो कुछ ही दूर बढ़े थे तो उनको सामने से क्या आते हुए कर्ण आते हुए नजर आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि ये कर्ण जो है पांडव का पक्ष छोड़कर हमारे साथ मिले तो कितना अच्छा होगा, कोशिश करके क्यों ना देखी जाए। बस ऐसा सोचकर उन्होंने रथ कर्ण से के समीप जाकर रोक लिया। उन्होंने क्या सोचा कि ये कोशिश करके क्यों ना देखी जाए। तो उन्होंने उसके पास जाकर उसे रोक लिया। मुस्कुराया और हाथ पकड़कर उसे प्रेम पूर्वक रथ पर बैठा लिया। और मुस्कुराकर उन्होंने क्या करा, उसे जो है अपने जो है रथ पर बिठा लिया। रथ चला, कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ। देखिए, रथ चला उनका और उनसे उन्होंने कुशल मंगल का आदान प्रदान किया। कृष्णा ने बड़े ही नाटकीय ढंग से भारपूर्वक स्वर में कहा, कर्ण, क्या ये विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? उन्होंने क्या पूछा कि जो है ये कर्ण से, क्या ये विनाशकारी युद्ध जो है ये होकर ही रहेगा? क्या इसे किसी भी रूप से नहीं टाला जा सकता? वो पूछते हैं कि ये किसी भी रूप से टाला नहीं जा सकता। मैं कितना प्रत्ययन किया, पर क्या हुआ? दुर्योधन ने मेरी किसी आग्रह अनुरोध नहीं सुनी। वो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ किया, लेकिन दुर्योधन ने मेरी एक भी नहीं सुनी। कुछ रुककर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, आज कदाचित वह अवसर आ गया है कर्ण, जब मैं भेद प्रकट कर दूं। वो बोलते हैं कि आज जो है वो कदाचित आ गया है जब मैं भेद प्रकट कर दूं, तो जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को सालता रहा। वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते कि जन प्रथन भीम आदि को तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उनके विनाश चिंत में रहते हुए तुम्हारा अनुज है, सहोदार है। भाग्य की लीला कितनी विचित्र है कर्ण, तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो। ज्येष्ठ मीन्स क्या होता है? बड़े, ठीक है। वो बोलता है कि तुम पांडु के जो है बड़े पुत्र हो। विधाता ने तुम्हें अद्वित कल बुद्धि पुरुषपात और परिक्रम दिया है। तुम्हें संसार परम दानी निसहायियों और वंचितों का रक्षक महात्मा कर्ण कहते हैं। और वो क्या बोलता है कि तुम्हें संसार का परम दानी निसहायियों और वंचित का रक्षक कहते हैं। तुम परशुराम के परम शिष्य, उद्धंड योद्धा और अद्वितीय धनुधर हो। हे महारथी कर्ण, क्या ये भाग्य की क्रूर लीला नहीं है कि परम गुणों से मांडित तुम जैसे नर रतन आज दुर्योधन जैसे
कुबुधित ग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़े हैं, वो बोलते हैं कि ये जो है क्या कहते हैं कूर लीला नहीं है कि तुम जैसे लोग जो है दुर्योधन के साथ मित्रता में जुड़े हैं। क्या इसे दुर्भाग्य ना माने कि पार्थ और कर्ण जैसे धूंधड़ सहोदर आज के दूसरे में रक्त के प्यासे हैं। नहीं कून मत होने दो ऐसा, ये अनर्थ है, अधर्म है, अनैतिक है, कूरता है। वो बोलते हैं कि ये जो है दुर्भाग्य नहीं है कि तुम दोनों एक मित्रता में जुड़े हो। बोलते हैं नहीं करण तो मतलब ऐसा, वो ये बोलते हैं उनसे कि करण ऐसा मत होने दो, ये अनर्थ है, ये अधर्म है और अनैतिक है। क्या करती कुंती अवश्य नहीं सहाय्य युविता, माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर लोक भय से अपने हृदय के टुकड़े को किन परिस्थितियों में जल तरंगों को सौंप दिया। वो क्या उसकी माँ क्या करती, उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को जो है किन पता नहीं किन परिस्थितियों में जल तरंगों को सौंप दिया था, ये कौन समझना चाहेगा। कदाचित कुंती कि तुम्हें और पांडवों के भाग्य में यही लिखा था। वो बोलती है कि तुम्हारे और पांडवों के भाग्य में यही लिखा था। कुछ रुककर कृष्णा ने फिर कहा, इस युद्ध को रोक दो करण, इस भीषण नर संहार को गले लगा लो, अपने बंधुओं को दे दो, उन्हें अपनी विशाल भुजाओं की छाया। ठीक है, वो बोलते हैं कि इसको रोक दो और अपने कर्णों बंधुओं को दे दो अपने विशाल की छाया। ठीक है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कर्ण, मेरे साथ चलो, तुम्हारे पुण्य अभिषेक किया जाएगा। पांडवों के कंठ से जब तुम्हारा जयगान गूंजे तो धरती अभय हो जाएगी। तुम्हारे दाएं बाएं पार्थ भीम से अगर शंख होंगे। ये युद्ध का आतंक शर्त के बदलों की तरह देखते देखते विलीन हो जाएगा। कुरुराज युरुधन अपने युद्ध दुराग्रह का त्याग देंगे। सोचकर देखो कर्ण, तुम्हारे एक ही निर्णय से इस मूर्त भूमि का रूप बदल जाएगा, सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा। वो उन्हें जो है अपनी तरफ लेने के लिए बोलते हैं, लेकिन कर्ण जो होते हैं वो अपनी मित्रता को ख़त्म करना नहीं चाहते। वो किसी भी कुछ भी उनको बोलते हैं कि तुम्हारे पूरा संसार जो है तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम जो है इस चीज़ को युद्ध को छोड़ दो। कर्ण ने सब कुछ सुना और कर्ण सब कुछ उनकी बातें सुनते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, फीकी हंसी के साथ उन्होंने कहा है, केशव मैं कर्तज्ञ हूँ, आपका मुझ पर इतना स्नेह है जानकर मैं अभिभूत हूँ। मैं अपनी इस रहस्य जन्मकथा को जानकर स्वयं विस्मित हूँ, किंतु है मधुसूदन इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रति विधता की जन्म से कूर रहा है। मुझे आरंभ से ही भाग्य ने छला है, किंतु मैं उससे निरंतर संघर्ष करता रहा हूँ। मैं उसके विरुद्ध अपने परिक्रम को लेकर खड़ा हो गया हूँ। पग पग पर मुझे गलीन लाँछना और अपमान भोगना पड़ा। सूत पुत्र कहकर मेरा बहिष्कार किया गया। उस समय ना माँ का कलेजा पसीना और विधता को ही तरस आया। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिन हाथों ने उल्लास से बढ़कर मुझे अलगिन में बांधकर मेरा सम्मान बढ़ाया, जिस नरपुगांव गव ने भरी सभा में बंधु कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया, और जिसने मेरे सर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उसे मेरे परम बुंद का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं। वो बोलते हैं कि जिस वक्त जो है मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, उस वक्त ना मेरी माँ का कलेजे पर पसीना आया और उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और जो है मुझे क्या दिया, तो वो ये बोलते हैं कि आप मुझे उसको छोड़ने के लिए बोलते हैं, मुझे कहने नहीं कृष्ण नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। वो बोलते हैं कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, जिस वृक्ष की छाया मुझे मिली मैं उसी को काट दूँ। वो ये बोलता है कि जिस वृक्ष की जिस पेड़ की छाया मुझे मिली है मैं उसी को काट दूँ, केवल इसलिए कि लोग मुझे पांडव कहें। वो ये बोलते हैं कि इसलिए सिर्फ काट दूँ कि लोग मुझे पांडव कहें, मेरा कुंती पुत्र कहकर सम्मान करें, मुझे राजसिंहासन प्राप्त हो और मैं धर्मराज का अग्रज कहलाऊं। नहीं केशव, नहीं चाहिए मुझे ये मान सम्मान, ये ताज सिंहासन, ये धन ऐश्वर्य
मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं अपनी ही दृष्टि में आपको अपने को लांकित नहीं करूँगा। मैं अपनी ही गलीन से हर पल मर मर कर जीना नहीं चाहता। वो ये बोलता है कि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं करूँगा कि और मैं अपने अंदर ही पल पल ये सारे काम करके पल पल जी कर मरना नहीं चाहता। हे केशव, जो भी आप मुझे देंगे वह सब मैं कुरुराज दुर्योधन को दे दूंगा। वो ये बोलता है कि आप मुझे जो कुछ भी देंगे मैं वो जो है कुरुराज दुर्योधन को दे दूंगा। उस बंधु के लिए मेरे पास कुछ भी अदाय नहीं है। यदि मुझे आप इंद्रपद भी दें तो मैं उसे भी दुर्योधन के चरणों में अपर्पित कर दूंगा। वो बोलता है कि अगर आप मुझे इंद्रपद भी देंगे तो भी मैं जो है अपना वो दुर्योधन के चरणों में रख दूंगा। मित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी शीतल मधुर और सुखदायक नहीं है। वो ये बोलता है कि मित्रता से बढ़कर इस जीवन में कुछ भी सुखदायक नहीं है और कुछ भी शीतल नहीं है। उसका मूल्य किसी भौतिक संपदा और मान सम्मान से नहीं आंका जा सकता। वो ये बोलता है कि मित्रता का जो है मित्रता को जो है किसी भी चीज़ से मूल्य नहीं किया जा सकता। परम विस्मय से कृष्णा उसे देख रहे थे और कृष्णा को प्रणाम करते हुए राधा पुत्र कर्ण रथ से उतर रहे थे। वो जो है कृष्णा जो है उन्हें देख रहे थे और कर्ण जो थे वो उस उन्हें प्रणाम करते हुए रथ से उतर रहे थे। कृष्णा सोच रहे थे कैसा व्यक्ति है ये कर्ण, क्या ऐसा चरित्र संभव है। ओ मित्र हो तो ऐसा। वो ये बोल रहे थे सोच रहे थे कृष्णा के क्या है, मतलब ये व्यक्ति कैसा है कर्ण, क्या ऐसी ऐसा चरित्र होना संभव है, ऐसी ऐसी मित्रता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो ये इस चैप्टर में आप लोग को दिया है मित्रता के ऊपर कि आप लोगों को अगर कोई भी अपनी मित्रता छोड़ने के लिए बोले या कोई भी लालच दे कि आप लोग हम आपको ये देंगे और आप मित्रता छोड़िए, लेकिन किसी इंसान को अपनी मित्रता नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग का चैप्टर था। ये आप लोग को वर्ड मीनिंग्स हैं जो आप लोग को बुक में से ही याद करने हैं, यहाँ लिख लीजिए लर्न, आप लोग को याद रहेगा, याद करने हैं। अब आ जाइए आप लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हम लोग को कहाँ करनी है, बुक में ही करनी है। मैं आपको बार बार हर वीडियो में रिपीट कर रही हूँ। तो ये बुक वर्क है, देखिए अब लगा लीजिए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। किसी भी सभा से श्रीकृष्ण निराश होकर निकले। युधिष्ठर की, दुर्योधन की, ये द्रुपद की, दुर्योधन की। ठीक है, तो सेकंड पे राइट लगाइए। कृष्णा ने कुछ रुककर किसी की ओर देखा। जमीन की, रथ की, ये कर्ण की, कर्ण की। थर्ड पर राइट लगा लीजिए। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। कौन अपने युद्ध दुर्गा का को त्याग देगा, कृष्णा कर्ण या दुर्योधन कर्ण। ठीक है, तो सेकंड पे राइट लगाइए। अब आ जाइए आप लोग फिलिंग द ब्लैंक्स पर। तो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं आप लोग की, फर्स्ट है साहस उनका भाव बदल गया। फर्स्ट में आएगा आपका भाव। सेकंड है दुर्योधन ने मेरी किसी आग्रह अनुरोध को नहीं माना, आग्रह अनुरोध। ठीक है, थर्ड में देखिए तुम्हारा पुण्य अभिषेक किया जाएगा। थर्ड में आएगा आप लोग का अभिषेक। फोर्थ है रोक दो इस भीषण युद्ध को। फोर्थ में आएगा युद्ध। फिफ्थ है सूत पूत कहकर मेरा तिरस्कार किया गया, सूत और पुत्र। ठीक है, अब आ जाइए नीचे क्वेश्चन नंबर 3 पर। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा से प्रसन्न होकर निकले, नहीं प्रसन्न होकर नहीं निकले थे, क्रोध होकर निकले थे। फर्स्ट पे आप लोग क्रॉस लगा दीजिए। सेकंड है कुशल मंगल का आदान प्रदान कृष्णा और कर्ण के बीच हुआ, जी उन्हीं के बीच हुआ था रथ पर जब वो चढ़े थे। सेकंड पे राइट है आप लोग का। कर्णा ने तिरस्कार सूतपुत्र कहकर किया गया, थर्ड पर भी राइट है। कृष्णा ने कर्ण को पांडव पक्ष में आने के लिए कहा, जी पांडव पक्ष में आने के लिए कहा था, ये भी राइट है। फिफ्थ है कर्णा ने नेत्रपूर्वक कृष्णा से प्रस्ताव का अस्वीकार किया, जी उन्होंने मना कर दिया था अपनी मित्रता के लिए। तो फिफ्थ में आप लोग का क्रॉस है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन 4 आप लोग का दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। मित्रता से बढ़कर उस संसार में कुछ भी शीतल मधुर और सुखदायक नहीं है। ठीक है, इसका लिख लीजिए आप लोग। उसका मूल्य, उसका मूल्य किसी भौतिक
संपदा और मान सम्मान से नहीं आका जा सकता। देख लीजिए वीडियो में ध्यान से, उसका मूल्य किसी भौतिक संपदा और मान सम्मान से नहीं आका जा सकता। ये भी आप लोग बुक में ही रहने दिएगा, कोई भी कॉपी में नहीं करेगा, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को लिखवा रही हूँ। सभी बच्चे अपनी कॉपीज़ मेरे साथ ओपन कर लें, मैं बताती जाऊँगी, आप लोग अपनी कॉपी में राइट करते जाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को कॉपी पे क्या करना है, वीडियो पार्ट डालना है। कौन सा पार्ट है आप लोग का, वीडियो पार्ट 8 है, तो पार्ट 8 डालेंगे। देखिए आप लोग को पहले डालना होगा पार्ट 8, फिर चैप्टर नंबर, फिर मित्रों का मित्र कर्णन, ठीक है। कॉपी में ऐसे डालिए। उसके बाद आप लोग 5 डालेंगे, 5 डाल के हेड क्वेश्चन की हेडिंग डालिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए का है, कृष्णा कर्ण को पांडव पक्ष में क्यों मिलाना चाहते थे, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, पहले आंसर हमें क्वेश्चन से ही लिखना है। कृष्णा कर्ण को पांडव पक्ष में मिलाना चाहते थे, क्यों काट दीजिए, उसके बाद लिखिए मिलाना चाहते थे। पहले क्वेश्चन में से लिखिए कृष्णा कर्ण को पांडव पक्ष में मिलाना चाहते थे। क्वेश्चन में से लिखने के बाद देखिए ये लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि वह उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, ठीक है। ये देख लीजिए मैंने लिख रखा है, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए, ये 1 क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन से लिखेंगे हम लोग, उसके बाद ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर, इसको देखिए ध्यान से और उसको लिखिए। पहले क्वेश्चन से लिखिएगा, कृष्णा कर्ण को पांडव पक्ष में मिलाना चाहते थे क्योंकि वह उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 है, सब कुछ जानने के बाद भी कर्ण दुर्योधन ने के पक्ष में ही क्यों रहना चाहता था, ठीक है। तो क्वेश्चन में से लिखेंगे, सब कुछ जानने के बाद भी कर्ण दुर्योधन के पक्ष में ही क्यों काट दीजिए रहना चाहता था, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिएगा, रहना चाहता था। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में से क्या लिखना है, सब कुछ जानने के बाद भी कर्ण दुर्योधन के पक्ष में ही रहना चाहता था क्योंकि उसके लिए मित्र धर्म स्वर्परि था, ठीक है। देख लीजिए पहले क्वेश्चन में से लिखना है, फिर मैंने यहाँ लिख रखा है क्वेश्चन के बाद लिखना है क्योंकि से, पहले क्वेश्चन में से लिखेंगे, सब कुछ जानने के बाद भी कर्ण दुर्योधन के पक्ष में ही रहना चाहता था क्योंकि उसके लिए मित्र धर्म स्वर्परि था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप लोग, मित्र हो तो ऐसा कृष्णा ने क्यों कहा। तो पहले क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, मित्र हो तो ऐसा कृष्णा ने क्यों की जगह ऐसा कहा, क्यों की जगह क्या लिखना है हमें, ऐसा कहा, क्यों की जगह क्या लिखेंगे, ऐसा कहा। फिर दोबारा देखिए, मित्र हो तो ऐसा कृष्णा ने ऐसा कहा, क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए, उसके बाद लिखिए क्योंकि मित्रता के आगे कर्ण के लिए इंद्र का सिंहासन भी कुछ नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कट कर दीजिए, नहीं करना है हमें, क्वेश्चन 4 और 5 कट कर दीजिए, क्वेश्चन 3 तक ही करेंगे। देखिए पहले आप लोग को मैंने बताया है क्वेश्चन में से लिखना है, उसके बाद मैंने यहाँ लिखे हैं इसके आंसर आगे के, यहाँ से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार फिर देख लीजिए, लिखना है कृष्णा कर्ण को पांडव पक्ष में मिलाना चाहते थे क्योंकि वह उनके ज्येष्ठ भ्राता थे, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखिए आंसर क्या लिखेंगे इसका, सब कुछ जानने के बाद भी कर्ण दुर्योधन के पक्ष में ही रहना चाहता था क्योंकि उसके लिए मित्र धर्म स्वर्परि था,
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मित्र हो तो ऐसा, कृष्णा ने क्यों, कृष्णा ने ऐसा कहा, मित्र हो तो ऐसा, कृष्णा ने ऐसा कहा क्योंकि मित्रता के आगे कर्ण के लिए इंद्र का सिंहासन भी कुछ नहीं था। ठीक है, ये हो गए आप लोग के क्वेश्चन आंसर। कंप्लीट कॉपी पे पार्ट डालना कोई नहीं भूलेगा, पार्ट 8 डालना है, पार्ट 11 चैप्टर का नाम लिखेंगे और डेट शो करेंगे जिस डेट में आप लोग के पास वीडियो जा रही है। ये आप लोग के हो गए हैं क्वेश्चन आंसर कंप्लीट, चैप्टर नंबर 11 आप लोग का कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। जब तक वीडियो पार्ट 8 देखकर सभी बच्चे अपना वर्क कॉपी में कंप्लीट कर लें। बुक में जो वर्क मैंने आप लोग को बताया है वो आप लोग को बुक में कवर करना है, बुक में ही करना है। वर्ड मीनिंग सब बच्चे बुक से ही याद करेंगे, कॉपी में कोई राइट नहीं करेगा, सिर्फ कॉपी में हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स नोट करने हैं। तो ये वीडियो आप लोग की कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं। जब तक सभी बच्चे अपना यहाँ पर वर्क कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।